क्वेश्चन नंबर 108। नाउ देखिए बेटा, ए पेंगुइन फ्लोट्स फर्स्ट इन ए फ्लूइड ऑफ डेंसिटी रो, देन इन ए फ्लूइड ऑफ डेंसिटी 0.95 रो, एंड देन इन ए फ्लूइड ऑफ डेंसिटी 1.1 रो, इन ऑर्डर टू अरेंज द बॉयंट फोर्स ऑन द पेंगुइन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, द डेंसिटीज विल बी रैंक्ड एज। सो बेटा देखिए, एक पेंगुइन है, वो फ्लोट कर रही है और अलग अलग डेंसिटीज में, मतलब पहली बार लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो में फ्लोट कर रही है, दूसरी बार इट इज फ्लोटिंग इन ए डेंसिटी ऑफ लिक्विड 0.95 रो, और तीसरी बार इट इज फ्लोटिंग इन ए डेंसिटी ऑफ लिक्विड 1.1 रो। और हमने क्या करना है, बॉयंट फोर्स ऑन दी पेंगुइन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। देखो बेटा, जब फ्लोट करती है कोई चीज, तो इन द वेट इज इक्वल टू अप थ्रस्ट, यानी कि बॉयंट फोर्स इज इक्वल टू वेट ड्यूरिंग फ्लोटिंग। ठीक है बेटे, तो फ्लोटिंग के दौरान जो अप थ्रस्ट होगा, यानी बॉयंट फोर्स होगी इन ऑल दी थ्री लिक्विड्स, दैट विल बी सेम। सो हम इंक्रीज तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज ही नहीं कर सकते, बिकॉज द बायंड फोर्स इन ऑल दी थ्री सिचुएशंस, FB1 इज इक्वल टू FB2 इज इक्वल टू FB3। सो द बायंड फोर्स इज द सेम इन ऑल दी थ्री सिचुएशंस, बायंड फोर्स इज सेम इन ऑल दी थ्री सिचुएशंस। सो आंसर इसमें देखिए कोई सा भी नहीं बनता, आंसर इज डी फॉर दिल्ली, दैट इज नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट बेटे 109th क्वेश्चन। नेक्स्ट 109th क्वेश्चन देखेंगे बेटा। लेड हैज ग्रेटर डेंसिटी देन आयरन, द बॉयंट फोर्स ऑन ए पीस ऑफ लेड इज डैश देन दैट ऑन द सेम वॉल्यूम ऑफ ए पीस ऑफ आयरन। ठीक है बेटे, देखो ऐसा है, लेड की डेंसिटी आयरन से ज्यादा है, और द बॉयंट फोर्स ऑन ए पीस ऑफ लेड इज डैश देन दैट ऑन ए सेम वॉल्यूम ऑफ आयरन, ऑफ ए पीस ऑफ आयरन। बेटे देखो ऐसा है कि अगर हम सेम वॉल्यूम का आयरन पीस लें और सेम ही वॉल्यूम का लेड पीस लें, ठीक है बेटे, लेट अस ए सेम वॉल्यूम, दिस इज ए लेड पीस एंड दिस इज ए आयरन पीस। नाउ डेंसिटी ऑफ लेड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ आयरन, ठीक है बेटे, डेंसिटी ऑफ लेड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ आयरन, और दोनों की वॉल्यूम कैसी है, सेम है, तो अगर इनको लिक्विड में इमर्स किया जाए तो बोथ विल डिस्प्लेस इक्वल अमाउंट ऑफ द लिक्विड, बोथ विल डिस्प्लेस इक्वल अमाउंट ऑफ द लिक्विड, यानी कि दोनों के दोनों इक्वल अमाउंट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस करेंगे, देन द बॉयंट फोर्स विल बी द सेम, द बॉयंट फोर्स विल बी द सेम इन बोथ द सिचुएशंस। सो इसका मतलब क्या हुआ, आंसर इज सी पार्ट, द बॉयंट फोर्स रिमेन्स सेम। नेक्स्ट बेटे 110th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 110, ए बॉल बियरिंग दैट हैज ए डेंसिटी ऑफ 5.16 ग्राम पर सीसी इज हेल्ड एट रेस्ट अंडर द सरफेस ऑफ ए लिक्विड दैट हैज ए डेंसिटी ऑफ 2.5 ग्राम पर सीसी, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल बियरिंग जस्ट रिलीज्ड, जस्ट आफ्टर इट इज रिलीज्ड। सो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल बियरिंग जस्ट आफ्टर इट इज रिलीज्ड। तो देखो बेटा, एक बॉल बेयरिंग है और उसके पास उसकी डेंसिटी कितनी है, 5.16 ग्राम पर सीसी, और इट इज हेल्ड एट रेस्ट अंडर द सरफेस ऑफ ए लिक्विड दैट हैज ए डेंसिटी ऑफ 2.5, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन जस्ट आफ्टर इट इज रिलीज्ड। सो देखो बेटा ऐसा है, ये आपके पास मैग्नीट्यूड आपने एक्सेलरेशन का निकालना है, बॉल बेयरिंग की डेंसिटी कितनी दे रखी है आपको, ये डेंसिटी ऑफ बॉल बेयरिंग 5.16 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और सरफेस ऑफ द लिक्विड दैट हैज ए डेंसिटी, सो लिक्विड की डेंसिटी बेटे कितनी है, 2.50 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन जस्ट आफ्टर इट इज रिलीज्ड, जस्ट आफ्टर इट इज रिलीज्ड, तो आप देखिए ये कैसे निकालेंगे बेटा। नाउ लेट अस से वी इज द वॉल्यूम ऑफ द बॉल बेयरिंग, वी इज द वॉल्यूम ऑफ द बॉल बेयरिंग, ठीक है, नाउ वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी, दिस इज वेट ऑफ द बॉडी
माइनस अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट कितना हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, दिस इज अपथ्रस्ट, दिस इज नेट डाउनवर्ड फोर्स, ये नेट डाउनवर्ड फोर्स है। ये फोर्स किसके बराबर होगी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी बेटा, डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू बेटा क्या चीज, जी, इंटू जी। सो अब आप देखिए बेटा, ये यू कैन इजिली सॉल्व इट, 5.16 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी है बेटा, 2.5 ओवर क्या चीज, डेंसिटी ऑफ बॉडी इज अगेन 5.16 इंटू यू टेक जी एज 10। ये यदि आप सॉल्व कर लेते हो बेटा तो यू गेट द आंसर एज, तो आपके पास आंसर कितना आ जाता है, 5 m/s². So you get the answer as 5 m/s². So the acceleration of the body turns out to be 5 m/s². Answer is A part. Answer is A part. Next dekhenge beta, 111th question. dekhenge. A wooden cube first floats inside water when a 200 gram mass is placed on it. When the mass is removed, the cube is 2 cm above water level. The side of the cube is. ऐसा बेटे देखो, एक वुडन क्यूब है और जब उस पर हमने 200 ग्राम का मास रखा हुआ है तो वो कम्प्लीटली इमर्स हो जाती है इनसाइड द वाटर, और फिर when the mass is removed, जब मास को रिमूव कर देते हैं तो इट इज 2 cm अबव द वाटर लेवल, तो इट इज 2 cm अबव द क्यूब इज 2 cm अबव द वाटर लेवल। सो साइड हमने निकालनी है क्यूब की बेटा, मान लो क्यूब की साइड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप क्यूब की साइड को सपोज कीजिए, यू अज्यूम द साइड ऑफ द क्यूब टू बी ऑफ लेंथ एल, चलिए एल लेंथ की क्यूब ले ली आपने, तो वॉल्यूम कितनी होगी बेटा, एल क्यूब के बराबर होगी, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज एल क्यूब। नाउ जब आपने इसको लिक्विड में इमर्स किया और इसके ऊपर कुछ मास रखा, मास कितना रखा बेटा, यू हैव केप्ट द मास एज 200 ग्राम्स, तो मतलब 200 ग्राम का मास रख दिया इस पे, तो 200 ग्राम का मास रखने पर ये पूरी का पूरा इमर्स हो गया, जो ये क्यूब है इट गेट्स कम्प्लीटली इमर्स्ड इन साइड द लिक्विड। तो अब इस सिचुएशन में बेटा देखिए, इस सिचुएशन में टोटल वॉल्यूम इनसाइड है, तो टोटल वॉल्यूम इनसाइड है और वेट जितना भी डाउनवर्ड है दैट इज बैलेंसिंग द अपथ्रस्ट। सो वेट कितना हो जाएगा बेटे, नाउ देखिए हमें डेंसिटी नहीं दे रखी है, सो वी अज्यूम दैट द लिक्विड इज वाटर, सो वाटर की डेंसिटी तो आपको पता ही होती है, और जो सॉलिड है ये क्यूब है इसकी डेंसिटी सिग्मा मान लीजिए, तो वी इंटू सिग्मा इंटू जी प्लस 200 ये ग्राम्स है ना बेटे, तो इसको सारे को हम सीसी में ही कंसीडर कर रहे हैं, सो 200 इंटू जी इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, दैट इज इक्वल टू एल क्यूब, या पूरी डेंसिटी वी ही लिख लो, तो वी इंटू क्या चीज बेटे, वी इंटू रो इंटू जी। सो ये देखिए बेटा, ये 200 ग्राम मास के कारण ये सिचुएशन है, दिस बिकम्स आवर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ जब हम इस मास को हटा देते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जब इसका मास को हटा दिया तो इट गोज बाय ए गैप ऑफ 2 cm, मतलब पानी जो है ये 2 cm बाहर आ जाता है, द पोर्शन इज 2 cm इन आउटसाइड, ठीक है बेटे। नाउ दैट मीन्स टू से दैट दिस पर्टिकुलर पोर्शन still inside, यानी कि L minus 2 length is still inside. So now fraction of volume inside is equal to density. Fraction of volume inside क्या हो जाएगी बेटे, L minus 2 into area. Area कितना हो गया, L square. This is volume inside. Volume inside by total volume is equal to density of body by density of water. ठीक है बेटे, नाउ दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम दैट इज इनसाइड, सो एल माइनस टू बाय एल इज इक्वल टू सिग्मा बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, दिस बिकम्स आवर सेकंड इक्वेशन, ठीक है बेटे।
यहां से ये देखिए एल माइनस टू बाय एल इज इक्वल टू सिग्मा बाय रो, मतलब क्या हुआ कि ये फ्रैक्शन हमने इनसाइड का फॉर्मूला यूज किया है, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इनसाइड इज स्मॉल वी बाय कैपिटल वी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बॉडी बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये वाला फॉर्मूला हमने रिजल्ट यूज किया है। आपको इसने दे रखा है कि 2 सेंटीमीटर इज आउटसाइड, 2 सेंटीमीटर इज आउटसाइड। अब बेटा देखो इसको और आसान कर सकते हैं हम क्वेश्चन को, हम ये देखिए हमें ये पता है कि 2 सेंटीमीटर किसके कारण जा रहा है, इस वेट के कारण जा रहा है, इस एडिशनल वेट के कारण, मतलब अपने अगर हम सिर्फ क्यूब की बात करें तो क्यूब के कारण तो वो इतना 2 सेंटीमीटर बाहर रह जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 200 ग्राम पड़ने पर ये और इतना 2 सेंटीमीटर और इनसाइड चला गया, तो यानी कि 200 ग्राम 200 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वलेंट टू, द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड कितना हो जाएगा बेटे, दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू टू, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू टू इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी ले लेंगे बेटा 1 ग्राम पर सीसी इंटू जी, तो जी से जी तो काट लो, ये आपके पास कितना आ गया बेटे एल स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो एल इज इक्वल टू व्हाट 10, इसका मतलब है क्यूब की जो साइड आई वो 10 की है। ये बेटा एक स्टेप में हो सकता है, ये स्टेप हमें करने की भी जरूरत नहीं, इतना आसान क्वेश्चन है कि आप अगर ये जज कर लें कि 200 ग्राम डलते ही ये क्या है 2 सेंटीमीटर और अंदर चला जाता है, तो इसका मतलब है इसका एरिया जो कितनी वॉल्यूम इसने फर्दर एडिशनल डिस्प्लेस की वो किसके कारण करी, इस वेट के कारण करी, और वो वेट कितना है 200 इंटू जी, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, दैट इज ए इंटू 2 इंटू 1 इंटू जी। सो आंसर क्या आया, इसका आंसर आया 10 सेंटीमीटर, सो 111 आंसर इज बी फॉर बॉम्बे, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट बेटे 112th क्वेश्चन देखेंगे अब। नाउ 112th क्वेश्चन देखिए बेटा, ए क्यूब ऑफ वुड 15 सेंटीमीटर ऑन ए साइड एंड हैविंग ए डेंसिटी ऑफ 0.8 × 10³ केजी पर मीटर क्यूब फ्लोट्स ऑन वाटर, द डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप टू द लेवल ऑफ वाटर इज। सो देखो बेटा एक क्यूब दे रखी है अब हमें, हाँ जी क्यूब की साइड कितनी है 15 सेंटीमीटर्स, ओके 15 सेंटीमीटर्स है, अच्छा बेटे और हमें डेंसिटी दे रखी है ऑफ वुड, एंड डेंसिटी ऑफ द क्यूब मटेरियल इज इक्वल टू 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इज इक्वल टू 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है बेटे। नाउ दिस इज द डेंसिटी ऑफ द क्यूब मटेरियल, अच्छा बेटे नाउ द डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप टू द लेवल ऑफ वाटर इज, द डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप टू द लेवल ऑफ वाटर इज। सो अब आप देखिए बेटे द क्यूब हमें दे रखी है, लेंथ इसकी 15 है और डेंसिटी इसकी ये है, और इसको वाटर में इमर्स किया गया है, हमने निकालनी है फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम दैट इज आउटसाइड, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम उसी से हम लेंथ निकाल सकते हैं, तो फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम दैट इज इनसाइड दैट इज वी बाय वी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वुड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है बेटे। सो अब देखिए वॉल्यूम इनसाइड, वॉल्यूम इनसाइड क्या है, दैट विल बी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू सपोज एक्स लेंथ इज इनसाइड, एक्स लेंथ इज इनसाइड अपॉन एरिया इनटू क्या चीज 15 बेटे, दिस इज द कंप्लीट वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू 0.8, तो इसका मतलब क्या हुआ x कितना आ गया बेटे 15 into 0.8, सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट 12 सेंटीमीटर, इसका मतलब 12 सेंटीमीटर तो लिक्विड के इनसाइड है, तो बैलेंस कितना बचा बाहर, तो 15 सेंटीमीटर की साइड है, तो इसका मतलब 3 सेंटीमीटर जो है वो बाहर आ गया, तो आंसर क्या हुआ बेटा डी फॉर दिल्ली, आंसर इज डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट 113th क्वेश्चन,
113th question देखिए, in the above problem, the lead weight that needs to be placed on top of the cube to make it just level with the water. तो बेटा हमने पता करना है कि अगर इसी क्यूब के ऊपर हम कितना वेट रखें लेड का कि क्या हो जाए, इट जस्ट द क्यूब इज जस्ट मेड टू द लेवल ऑफ वाटर. तो मतलब क्यूब जो है वो वाटर के लेवल पे आ जाए. देखो बेटा ऐसा है कि हम मानते हैं कि चलिए m ग्राम का हमने सब्सटेंस, m किलोग्राम का सब्सटेंस हमने रख दिया. तो m इंटू जी इज द वेट ऑफ द लेड ब्लॉक दैट यू हैव केप्ट. मतलब इस क्यूब के ऊपर बेटा हमने क्या करा कि एक लेड का ब्लॉक रखना है कि ये जो 3 सेंटीमीटर बाहर निकला हुआ है, ये 3 सेंटीमीटर भी इट गोज इनसाइड, ये 3 सेंटीमीटर भी इट गोज इनसाइड. सो इसका मतलब क्या हुआ, m इंटू जी दैट मीन्स द वेट ऑफ द वुड ब्लॉक शुड बी, वेट ऑफ द लेड ब्लॉक, ये लेड ब्लॉक है ना, इसका वेट शुड बी इक्वल टू, शुड बी इक्वल टू एरिया इंटू एक्स. इतनी वॉल्यूम लिक्विड की फर्दर डिस्प्लेस होगी, वाटर की डिस्प्लेस होगी. सो दिस वेट शुड बैलेंस दिस अप थ्रस्ट, एडिशनल अप थ्रस्ट दैट हैज बीन जनरेटेड. सो डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू बेटा जी, ये तो कैंसिल हो गया. तो अब देखो एम कितना आ जाएगा बेटे, एरिया, एरिया कितना हो जाएगा 15 इंटू 15, अच्छा बेटे इंटू 10 की पावर माइनस 4, इतने मीटर स्क्वायर, इंटू 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2, इंटू 3 इंटू 10 पावर माइनस 2, अच्छा बेटे फिर फर्दर इंटू क्या चीज, 3 इंटू 10 पावर माइनस 2, अच्छा बेटे इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर वो कितना हो गया 10 की पावर 3, तो ये हो गया 15 इंटू 15 इंटू 3 इंटू इंटू कितना बेटे इंटू 10 पावर माइनस 3, इंटू 10 पावर माइनस 3, सो ये हो जाएगा बेटे 225 इंटू 3. तो आंसर अगर आप सॉल्व करते हो इसको, सो यू विल गेट, इसको सॉल्व कर सकते हैं बेटे, इसको सॉल्व करेंगे जरा. तो अब देखिए ये कितना आ जाएगा, इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन दिस विल कम आउट टू बी 225 इंटू 3, 3 फाइव 15, 3 टू 6 7, 775 इंटू 10 पावर माइनस 3, 775 इंटू 10 की पावर माइनस 3, सो ये कितना आ गया बेटे 775 इंटू 10 की पावर माइनस 3. सो आंसर इज डी पार्ट, आंसर इज नन ऑफ दीज, आंसर इज डी पार्ट, आंसर इज डी पार्ट नन ऑफ दीज, ठीक है बेटे. सो आंसर इज डी पार्ट दैट इज नन ऑफ दीज. तो मास जो आया वो क्या आया, वो कोई भी चॉइस में मैच नहीं कर रहा, हमारे पास जो गिवन चॉइसेस हैं उसमें वो मैच नहीं कर रहा है, ठीक है बेटे. नेक्स्ट 114th क्वेश्चन, देखेंगे, द प्रेशर ड्यू टू द फ्लूइड, ड्यू टू ए फ्लूइड ऑफ हाइट h, डेंसिटी रो एट द बॉटम ऑफ ए कंटेनर इन फ्री फॉल. तो बेटा हमारे पास एक फ्लूइड है और ये कंटेनर है और इसमें लिक्विड हमने h हाइट तक ले रखा है, ठीक है बेटे, और जो डेंसिटी है दैट इज रो, हमने यहाँ बॉटम पे फ्लूइड का प्रेशर देखना है, वी वॉन्ट टू सी दी फ्लूड प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द वेसल. सो बॉटम ऑफ द वेसल पे यदि आप फ्लूड प्रेशर देखना चाहते हैं और ये कैसा हो रहा है, फ्री फॉल हो रहा है, फ्री फॉल में देर इज अ स्टेट ऑफ वेटलेसनेस और वेटलेसनेस की स्टेट में द प्रेशर विल बी जीरो, दैट इज एट द बॉटम इट विल बी जीरो. सो आंसर इज डी, आंसर इज डी फॉर डेली, आंसर इज डी फॉर डेली. नेक्स्ट बेटे 115th क्वेश्चन, 115th क्वेश्चन देखेंगे, ए ब्लॉक इज लोवर्ड इनटू वाटर एज शोन इन फिगर, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द बॉटम स्केल इन फिगर बी एंड द ब्लॉक इज इमर्स्ड, व्हेन द ब्लॉक इज इमर्स्ड इन द वाटर. सो बेटा देखिए हमारे को दो स्केल्स दे रखे हैं, अगर आप देखें फिगर को नीटली क्लियरली देखें तो वी आर हैविंग टू वेसल्स एंड दे आर लाइंग ऑन द वेइंग मशीन्स, दोनों किस पे पड़े हैं बेटा, वेइंग मशीन्स पे पड़े हैं. और ये देखिए ये रही वेइंग मशीन और बेटा ये एक कंटेनर पहले यहाँ पड़ा है
और फिर देखिए दूसरा एक और कंटेनर है, नाउ देयर इज अनदर कंटेनर, और ये देखिए ये एक और वेइंग मशीन पे पड़ा हुआ है, और यहाँ पे आपने इस पे वेसल रख रखा है, सेम वेसल है, सेम वेसल। तो आपने किसी एक वेट है जो आपके पास है ऑलरेडी, इस वेट का हवा में जो भार दिखा रखी है मशीन, दैट इज 4 न्यूटन, फिर हमने इसको जब लिक्विड में डाल दिया यानी पानी में डाल ही दिया, तो फिर ये रीडिंग इसकी चेंज हो गई, इसकी रीडिंग आ रही है फिर 2 न्यूटन्स, तो उसकी रीडिंग 2 न्यूटन आ रही है, और हमसे पूछ रहा है इस स्केल की क्या रीडिंग आएगी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, और पहली सिचुएशन में जो रीडिंग थी दैट वाज 40 न्यूटन। अब देखो बेटा, आपने देखा कि ये जब खाली था ये कंटेनर, सिर्फ पानी था, तो इसका सिर्फ वेट आ रहा था, इसका वेट कितना था, 40 न्यूटन्स। जब आपने ये वाला 4 न्यूटन वाला पीस जो हवा में 4 न्यूटन वे कर रहा था, इसको इसमें डुबो दिया, तो इसका वेट आ रहा है 2 न्यूटन, यानी ये इसका अपेरेंट वेट आ रहा है। अपेरेंट वेट क्या होता है बेटा, वेट ट्रू वेट माइनस ऑफ थ्रस्ट। तो इसका मतलब है अब ये मशीन क्या दिखाएगी, इस बर्तन का भार दिखाएगी, मतलब बर्तन जो 40 न्यूटन है वो तो दिखाएगी दिखाएगी, प्लस इसका अपेरेंट वेट भी ऐड होगा, यानी कि 2 न्यूटन और ऐड हो जाएगा 40 में, तो ये मशीन कितना दिखाएगी बेटा, 42 न्यूटन। वेरी एक्सीलेंट क्वेश्चन, तो ये दिखाएगी 42 न्यूटन। सो आंसर देखिएगा जरा, आंसर इज सी पार्ट, आंसर इज सी पार्ट। नेक्स्ट बेटे 116th क्वेश्चन देखेंगे। A rock is thrown into a swimming pool filled with water at a uniform temperature. Which of the following statements is true? तो बेटा एक रॉक है और उसको हमने थ्रो कर दिया है किसमें, स्विमिंग पूल में, जो कि पानी से भरा हुआ है, और हमने पता करना है इन सारी स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है द बॉयंट फोर्स ऑन द रॉक इज जीरो एज इट सिंक्स। तो बॉयंट फोर्स जो है रॉक पर वो क्या है, जीरो है एज द रॉक सिंक्स। बी पार्ट कह रहा है द बॉयंट फोर्स ऑन द रॉक इंक्रीजेज एट इट सिंक्स। तो बॉयंट फोर्स जो रॉक पर है वो इंक्रीज करती है एज द रॉक सिंक्स। सी पार्ट कह रहा है द बॉयंट फोर्स ऑन द रॉक डिक्रीजेज एट इट सिंक्स। डी पार्ट कह रहा है द बॉयंट फोर्स ऑन द रॉक इज कॉन्स्टेंट एज इट सिंक्स। सो बेटा देखो, इसमें जो बॉयंट फोर्स है, चाहे जब वो रॉक नीचे गिर रहा है, तो द बॉयंट फोर्स डज नॉट चेंज, इट रिमेन्स constant, it remains fixed. So answer is D for Delhi. Answer is D for Delhi. Next बेटे 117th question देखेंगे अब। An object hangs from a spring balance. The balance registers 30 newton in air, 20 newton when the object is immersed in water, and 24 newton when it is immersed in another liquid. What is the density of that other liquid? सो देखो बेटा, ऐसा है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और वो स्प्रिंग बैलेंस से हैंग कर रहा है, तो उसका वेट हवा में कितना है, 30 न्यूटन, और 20 न्यूटन है जब उसको पानी में डुबो देते हैं, तो और 24 न्यूटन है जब दूसरे लिक्विड में डालते हैं, तो हमने निकालनी है डेंसिटी ऑफ द अदर लिक्विड। तो बेटा देखो, ऐसा है कि 30 न्यूटन का वेट हुआ एयर में, और यदि 20 न्यूटन का वेट हुआ वाटर में, तो इसका मतलब है 10 न्यूटन का अपथ्रस्ट आ गया, वेट माइनस ट्रू वेट माइनस अपेरेंट वेट विल गिव यू द अपथ्रस्ट। तो अपथ्रस्ट आ गया 10 न्यूटन, इसका मतलब इतना वेट पानी का हटा, तो 10 इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी। सो ये जी को यदि मैं 10 ले लूं, तो वॉल्यूम कितनी आ जाएगी बेटा, वॉल्यूम आ जाएगी 1 बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, दैट इज 1 बाय 1000, these many meter cube. So this will be, this is the volume of, now this is the volume of water, theek hai ji, this is the volume of substance basically, jo jitni pani hata hai utni hi substance ki volume hai, to humne ye volume nikal di. ab beta dekho, jab hum different liquid mein dal rahe hain, dusre liquid mein dal rahe hain isko, dusre liquid mein immerse kar rahe hain, to us samay when we are immersing this in the other liquid, then what is happening is 24 newton
नाउ वेट इज 24 न्यूटन व्हेन इट इज इमर्स्ड इन अनदर लिक्विड में जब इमर्स किया हुआ है तो उसका वेट आता है 24 न्यूटन। अच्छा 30 न्यूटन का इसका ट्रू वेट है, तो इसका मतलब 6 न्यूटन क्या हो गया, इट इज द अपेरेंट वेट इन द अदर लिक्विड। तो 6 न्यूटन इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। तो 6 इज इक्वल टू वॉल्यूम कितनी होगी बेटा, 1/1000 इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, जी इज 10। सो इसका मतलब डेंसिटी ऑफ द अदर लिक्विड बिकम 600। सो 600 kg/m³, 600 kg/m³। सो आंसर है हमारे पास, आंसर इज बेटा ए पार्ट, आंसर इज ए पार्ट। नेक्स्ट बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन 118th क्वेश्चन। नेक्स्ट 118th क्वेश्चन देखेंगे। आइस एंड सी वाटर हैव डेंसिटीज ऑफ 0.92 × 10³ kg/m³ एंड 1.03 × 10³ kg/m³ रिस्पेक्टिवली। द फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ एन आइसबर्ग अबव वाटर इज, तो हमने फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम अबव वाटर निकालनी बेटे इस केस में। अब देखो आपको ये पता है फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इनसाइड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बॉडी बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम आउटसाइड कितनी आ जाएगी, 1 माइनस, ठीक है बेटे। सो 1 माइनस, अब आइसबर्ग इज द बॉडी, सो उसकी डेंसिटी कितनी ले लेंगे हम लोग, जो दे रखी है 0.92, 1 - 0.92 × 10³ बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज 1.03 × 10³। सो ये 10³ थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा, आपके पास कितना आ जाएगा, 1.03 × 1.03 - 0.92। अच्छा बेटे ये हो गई फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम दैट इज आउटसाइड, इनटू 100 कर दोगे तो आपके पास परसेंटेज फ्रैक्शन आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे फ्रैक्शन ही पूछी गई है, यदि आप इस फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं तो यू विल गेट दिस एज 0.11, यानी 11 point some%, तो 11% अप्रॉक्सीमेटली। तो इसका मतलब 0.11 इज द आंसर, तो आंसर इज सी पार्ट। आंसर क्या बनता है बेटे, सी पार्ट, क्योंकि फ्रैक्शन पूछी गई है आपसे। नेक्स्ट बेटे 119th क्वेश्चन। देखिए, ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ स्टील डेंसिटी 7.8 g/cc फ्लोट्स ऑन मर्करी डेंसिटी 13.6 g/cc। द फ्रैक्शन ऑफ ब्लॉक अबव द मर्करी सरफेस विल बी, तो फ्रैक्शन निकालनी है अबव द मर्करी सरफेस। सो डेंसिटी ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक इज गिवन टू यू, डेंसिटी ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक यानी स्टील ब्लॉक इज इक्वल टू कितना बेटे, 7.8 g/cm³। एंड नाउ द डेंसिटी ऑफ मर्करी, मर्करी की डेंसिटी आपको दे रखी है बेटे 13.6 g/cm³। अच्छा हमने फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम आउटसाइड निकाली ना, सो फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम वॉल्यूम आउटसाइड ये कितनी हो जाएगी बेटे, दैट विल बी इक्वल टू 1 - डेंसिटी ऑफ स्टील ब्लॉक बाय डेंसिटी ऑफ मर्करी। ये थी फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम आउटसाइड, तो 1 - बेटे 7.8 / 13.6, 1 - 7.8 / 13.6। यदि आप इसको सॉल्व करते हो तो यू गेट द फ्रैक्शन एज 0.43। इसको सॉल्व करने पर आंसर आता है 0.43 के आसपास, और इसका मतलब आंसर क्या हुआ, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम दैट इज आउटसाइड द मर्करी इज 0.43। सो आंसर इज ए पार्ट। नेक्स्ट बेटे 120th क्वेश्चन। इट इज डैश टू स्विम इन सी वाटर देन इन फ्रेश वाटर, मतलब कहता है बेटे देखो क्या सी वाटर में स्विम करना आसान है या मुश्किल है कंपेयर टू फ्रेश वाटर। देखो बेटा सी वाटर जो होता है ना उसमें साल्ट्स होते हैं, सी वाटर में साल्ट्स होते हैं, और जो सी वाटर होता है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है व्हेन कंपेयर टू फ्रेश वाटर। तो सी वाटर में एक आदमी पे अपथ्रस्ट ज्यादा लगेगा, तो फ्लोटिंग इज इजियर इन सी वाटर बिकॉज डेंसिटी इज मोर ऑफ सी वाटर। सो आंसर इज ए पार्ट, इट इज इजियर टू स्विम इन सी वाटर देन इन फ्रेश वाटर। नेक्स्ट बेटे 121st क्वेश्चन। वन ट्वेंटी फर्स्ट क्वेश्चन
the total weight, sorry, an iceberg has 100 meter cube of its volume above water level. How much sea water does it displace? How much sea water does it displace? Given density of ice is 0.9 and density of sea water is 1.1 ग्राम पर सीसी. ठीक है बेटे, सो अब देखिए आइसबर्ग है और उसकी वॉल्यूम जो आउटसाइड है, वॉल्यूम आउटसाइड वी आउट इज इक्वल टू कितना, 100 मीटर क्यूब. ठीक है बेटे. अच्छा, हाउ मच सी वाटर डज इट डिस्प्लेस. मान लो इस पूरे आइसबर्ग की वॉल्यूम थी बड़ा वी, तो फ्रैक्शन वी आउट तो आपको पता है बेटे, तो इसका मतलब v माइनस v आउट इज द इनसाइड वॉल्यूम, जो कि इनसाइड है. नाउ दैट मींस v माइनस v आउट ओवर कैपिटल v, दिस इज फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इनसाइड, दिस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ आइसबर्ग बाय डेंसिटी ऑफ वाटर. दिस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ आइसबर्ग बाय डेंसिटी ऑफ वाटर. सो देखिए अब बेटा v माइनस 100 ओवर कैपिटल v is equal to density of ice by density of sea water, that is 0.9 by 1.1. तो यहां से आप क्या करेंगे बेटा, बड़े v की वैल्यू ढूंढ लेंगे. आपको क्या चाहिए बेसिकली, कितना पानी डिस्प्लेस हो रहा है, तो यू नीड दिस पर्टिकुलर वॉल्यूम. तो यहां से आप क्या कर सकते हो, बड़े v की वैल्यू सॉल्व कर लोगे. यू कैन सॉल्व फॉर बिगर v, v निकाल के उसमें से 100 माइनस कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा. और आंसर क्या आएगा बेटा, 450 मीटर क्यूब. सो आंसर इज ए पार्ट, 121st आंसर इज ए पार्ट. नेक्स्ट 122nd क्वेश्चन. नेक्स्ट इज 122nd क्वेश्चन. The total weight of a piece of wood is 6 kg. In the floating state in water, its one-third part remains inside the water. What minimum weight is to be put on the floating liquid such that the whole of the piece of wood is to be drowned in water? तो ऐसा बेटे देखो, हमारे पास उसने दे रखा है एक piece है wood का और उसका mass कितना है, 6 kilo. और फ्लोटिंग स्टेट में वन थर्ड पार्ट रिमेन्स इनसाइड द वाटर. तो वन थर्ड पार्ट रिमेन्स इनसाइड, तो मतलब टू थर्ड ऑफ द वॉल्यूम इज रिमेनिंग आउटसाइड. ठीक है जी. नाउ कहता कितना वेट इस पे रखा जाए कि जो बाहर वाला पार्ट भी है वो कंप्लीटली क्या हो जाए, अंदर इमर्स हो जाए. तो मान लो हमने इस पे रखा एम वेट, एम मास रख दिया. तो एम मास रखा मतलब ये हमारा ब्लॉक था वुड का, ठीक है, इसका अपना भार 6 किलो दिया हुआ है बेटे हमें. ठीक है, तो वन थर्ड वॉल्यूम, मान लो इसकी वॉल्यूम v थी, तो v बाय 3 तो इनसाइड है और बेटा 2v बाय 3 इज आउटसाइड. अब इसके ऊपर हमने m मास रख दिया ताकि ये 2v बाय 3 भी अंदर चला जाए. तो ये जो 2 मास m है, इसका जो वेट है बेटे, इसका वेट कितना हो गया, m into g. ठीक है जी, इसका वेट जो है दैट इज गोइंग टू बैलेंस the upthrust that has been generated by 2v by 3. So, इसका मतलब क्या हो गया, m into g is equal to 2v by 3, 2v by 3 into density of water into g, into density of water into g. अच्छा बेटे, अब देखो, ये हमने एक equation बना ली, अब हमने ये mass m निकालना है. Now, you see that the fraction of volume that is inside, this is 1 by 3, is equal to the density of the block material by the density of water. So, iska matlab hai density of block kitni hogi beta, density of water ka one third, density of water by 3, that is equal to density of water by 3. Achha, dekho, ye to hogi density of block. ठीक है बेटे, डेंसिटी ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर बाय 3. दिस फॉर्म्स, दिस बिकम्स द सेकंड इक्वेशन. अब ऐसा है बेटे, 6 किलो का ब्लॉक है, इट इज ऑलरेडी गिवन टू यू. सो नाउ वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इनटू डेंसिटी ऑफ ब्लॉक दैट इज इक्वल टू 6.
सो वॉल्यूम कितनी आ गई ब्लॉक की, वॉल्यूम वी हो जाएगी बेटा, 6 अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू 3 बाय डेंसिटी ऑफ ब्लॉक, है ना। वॉल्यूम इज इक्वल टू, तो बेटा वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, 6 अपॉन डेंसिटी ऑफ ब्लॉक, डेंसिटी ऑफ ब्लॉक को लिखेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन 3, तो ये हो गया 6 × 3 अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। अब देखिए ये तो हो गई वॉल्यूम, ठीक है बेटे। अब हमें वॉल्यूम इस फॉर्म में पता लग गई, व्हाट यू डू इज यू वांट टू कैलकुलेट एम, ये कैंसिल कर दो, थर्ड से फर्स्ट में सब्स्टिट्यूशन कर दो वॉल्यूम की जगह पे, तो ये आ जाएगा 2/3 सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम 3 in 1, तो क्या आ जाएगा बेटा, मास आ जाएगा 2/3 इंटू वॉल्यूम कितना हो गया, 6 × 3 बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, बाय डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर वो कैंसिल हो गया, ये कट गया बेटे, ये कितना आ गया 12 kg। सो आंसर इज 12 kg, यानी कि अगर आप 12 किलो का मास रखेंगे तो इट विल बी कंप्लीटली ड्राउंड इन वाटर। सो आंसर इज ए पार्ट, आंसर इज ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 123, वी हैव टू डिफरेंट लिक्विड्स ए एंड बी हुज रिलेटिव डेंसिटीज आर 0.75 एंड 1 रिस्पेक्टिवली। सो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए इज 0.75, यानी डेंसिटी बेटे होगी 0.75 ग्राम पर सीसी, और डेंसिटी बी की कितनी होगी बेटे, दैट इज 1 ग्राम पर सीसी। और इफ वी डिप टू सॉलिड ऑब्जेक्ट्स पी एंड क्यू हैविंग रिलेटिव डेंसिटीज 0.6 एंड 0.9 इन दीज लिक्विड्स देन। सो बेटा आप देखिए, डेंसिटी ऑफ पी इज इक्वल टू 0.6 ग्राम पर सीसी एंड डेंसिटी ऑफ क्यू इज इक्वल टू 0.9 ग्राम पर सीसी, और वो हमसे कह रहा है देन। अब देखिए ए पार्ट बोल रहा है पी फ्लोट्स इन ए एंड क्यू सिंक्स इन बी, पी फ्लोट्स इन ए एंड क्यू सिंक्स इन बी, तो बेटा देखो क्यू सिंक नहीं कर सकता बी में, क्यों, क्योंकि डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी आप देखिए कम है, ये भी फ्लोट करेगा, तो ये तो बात गलत होगी। अच्छा बेटे बी पार्ट कह रहा है पी सिंक्स इन ए, पी सिंक्स इन ए ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि पी की डेंसिटी बी पार्ट में है, पी सिंक्स इन ए एंड क्यू फ्लोट्स इन बी ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्यू तो फ्लोट करेगा बेटा डेफिनेटली ए में, लेकिन बी में क्यू तो फ्लोट करेगा लेकिन पी जो है वो सिंक नहीं करेगा ए में। अच्छा सी पार्ट देखिए क्या कह रहा है बेटे, पी फ्लोट्स इन बी, पी फ्लोट्स इन बी बिल्कुल सही है, पी बी में फ्लोट करेगा, क्यों, पी की डेंसिटी कम है बी की डेंसिटी से, और क्यू सिंक्स इन ए, क्यू सिंक्स इन ए, हाँ बेटा क्यू की डेंसिटी 0.9 है और ए की डेंसिटी 0.75 है, यस क्यू विल डेफिनेटली सिंक इन ए, आंसर इज सी पार्ट, आंसर इज सी पार्ट। तो 123rd आंसर इज सी पार्ट। 124th क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे बेटा, 124th क्वेश्चन, एल्कोहल हैज स्लाइटली लोअर डेंसिटी देन वाटर बट मोर देन आइस, आइस क्यूब्स विल फ्लोट डैश इन ए मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर देन इन प्योर वाटर। सो देखो बेटा, एल्कोहल की डेंसिटी लोअर होती है पानी से, और बट आइस से ज्यादा होती है एल्कोहल की डेंसिटी, लेकिन वाटर से कम होती है। आइस क्यूब्स विल फ्लोट डैश इन ए मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर देन इन प्योर वाटर। तो बेटा अब वो हमसे ये पूछ रहा है कि जो आइस क्यूब्स हैं वो कैसे फ्लोट करेंगे इन अ मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर। देखो ऐसा बेटे, एल्कोहल का पानी के साथ मिक्सचर बनाएंगे तो रिजल्टेंट जो मिक्सचर आएगा उसकी डेंसिटी पानी से कम होगी, आइस की डेंसिटी तो बदल नहीं सकती, तो अगर पानी की डेंसिटी कम होगी तो आइस ज्यादा डूबेगी, अगर जो लिक्विड है जिसमें आइस फ्लोट करा रहे हो उसकी डेंसिटी कम कर दी आपने, तो इसका मतलब है द आइस विल सिंक मच मोर डीपर। सो आंसर इज बी फॉर बॉम्बे लोअर, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे लोअर। नेक्स्ट बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन 125th क्वेश्चन, 125th क्वेश्चन देखेंगे, एन आइसबर्ग इज फ्लोटिंग इन सी वॉटर,
The density of ice is 0.92 gram per cc and of seawater is 1.03 gram per cc. What percentage of iceberg will be below the surface of water? What percentage of iceberg will be below the surface of water? So, देखो बेटा, density of iceberg हमको दे रखी है बेटा, कितनी दे रखी है? That is 0.92 और density of sea water ये कितनी दे रखी है बेटा? 1.03 ग्राम पर सीसी. और हमसे पूछा गया है what percentage of iceberg will be below the surface of water, कितना percentage iceberg का below surface of water है. So fraction of volume inside small v by capital V is equal to density of ice by density of sea water, that is equal to 0.92 by 1.03 into 100. ठीक है बेटे, तो 0.92 by 1.03 into 100. So अगर आप इसको solve करते हैं बेटा, now what percentage of ice is below the surface of water? So अगर आप इसको solve करते हैं, you will get this answer as 89%. You will get the answer as 89%. So answer is 89%. That is C part. Answer is C part. Next बेटे, answer is C part. Next question देखेंगे, 126th question. Question number 126. In a YouTube experiment, a column AB of water is balanced by a column CD of paraffin. The relative density of paraffin is. The relative density of paraffin is. So, ये देखिए बेटा, हमारे पास इस तरह से एक YouTube दे रखी है क्वेश्चन में. We are given a YouTube like this. और इसमें बेटा ये डेटम लगा दिया मैंने. Now, this is up till height H1 we have filled in paraffin, मतलब paraffin की H1 height, और water की हमको बेटा कितनी height दे रखी है, H2 height, ये क्या कर रही है, आपस में balance कर रही है, ठीक है बेटे. Now he is asking the relative density of paraffin. Relative density आपको पता होना चाहिए, relative density होती है density of any material by density of water. अगर किसी मटेरियल की डेंसिटी को हम वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर देते हैं, दैट वी गेट द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल. सो H1 इनटू रो 1, रो 1 इज डेंसिटी ऑफ पैराफिन, इनटू G, क्योंकि बेटा इसका प्रेशर और इसका प्रेशर आपस में बैलेंस कर रहा है, क्योंकि यहां पे तो पानी ही है, यहां पे तो लिक्विड वाटर ही है, तो ये इसका इतना हेड इतने पानी के हेड को बैलेंस कर रहा है. So that is equal to H2 into rho 2 into G. So iska matlab kya hua beta, rho 1 by rho 2, ye kya ho gayi relative density of paraffin, that is equal to H2 by H1, that is equal to H2 by H1. Theek hai bete, so relative density of the paraffin is given by H2 by H1. So answer kya hua beta, answer is A part, answer is A part. Next bete, 127th question. Next 127th question देखेंगे बेटा. A boat carrying a number of large stones is floating in a water tank. What will happen to the level of water level if the stones are unloaded into the water? बहुत अच्छा question है बेटे 127th. देखिए क्या है, एक किश्ती है हमारे पास और इस किश्ती में कई सारे पत्थर हैं बेटे. ठीक है, there are many stones and they are, the boat is floating in water, तो पानी किसी लेवल तक पहुंचा होगा. ठीक है बेटे, किश्ती का जो एरिया है, किश्ती का जो सरफेस एरिया यानी किश्ती की जो वॉल्यूम है वो ज्यादा है when compared to volume of a single stone. तो काफी सारे stones इस पे किश्ती पे क्या कर रहे हैं, वेट ऐड कर रहे हैं, और बेटा जितना ज्यादा वेट ऐड करोगे उतना ही ज्यादा अपथ्रस्ट जनरेट होगा, because it is floating, तो weight is equivalent to upthrust. अब अगर आपने पत्थर निकाल के गिरने शुरू कर दिए, then what is going to happen to the level of water? ऐसा होगा बेटे, पत्थर ने जो है जितनी वॉल्यूम डिस्प्लेस करनी है वो कम है, किश्ती में रह के पत्थर ने ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस करनी है, और अगर आप कल्ला पत्थर पानी में गिरोगे तो उसने कम वॉल्यूम डिस्प्लेस करनी है. तो इसका मतलब है अगर आपने काफी सारे पत्थर किश्ती से निकाल के पानी में गिर दिए, then what is going to happen is that the water level
will fall down, water level on the boat will be lowered, because पहले बोट में बोट की वॉल्यूम ज्यादा होने करके बोट में अगर वेट इंक्रीज कर रहे हैं आप तो इट इट विल डिस्प्लेस मोर वॉल्यूम देन दी स्टोन्स इंडिविजुअली. सो आंसर क्या बनता है बेटे, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे दैट इज फॉल्स. आंसर इज बी फॉर बॉम्बे दैट इज फॉल्स. नेक्स्ट बेटे 128th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128. ए ब्लड प्रेशर इज रिपोर्टेड एज 50 mm ऑफ मर्करी. The density of mercury is 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. The pressure is equivalent to. So आपके पास मर्करी का हेड दे रखा है बेटा. मर्करी का हेड कितना है, 50 mm, यानी कि 50 × 10⁻⁴ मीटर्स. और डेंसिटी आपको दे रखी है, डेंसिटी ऑफ मर्करी इज इक्वल टू 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखी है. इंटू 10³ करना पड़ेगा. अगर इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है बेटा, केजी पर मीटर क्यूब में. तो अब हमने हमें हेड ऑफ प्रेशर दे रखा है. नाउ वी वांट टू फाइंड द प्रेशर. सो प्रेशर कितना हो जाएगा बेटे, प्रेशर इज इक्वल टू एच इंटू रो इंटू जी. सो दैट इज इक्वल टू 50 × 10⁻³ इंटू 13.6 इंटू 10³ इंटू जी. इंटू जी कितना है बेटे, इस केस में जी इज 10. यू टेक द जी वैल्यू एज 10. सो आप 10 ले लीजिए. सो आपके पास जो प्रेशर इसको सॉल्व करने पर आएगा, दैट विल बी 6.7 इंटू 10³ पास्कल्स. सो आंसर इज डी फॉर डेली. आंसर इज डी फॉर डेली. नेक्स्ट बेटे 129th क्वेश्चन, देखेंगे. ए पीस ऑफ वुड फ्लोट्स इन वाटर कैप्ड इन ए बीकर. ए पीस ऑफ वुड फ्लोट्स इन वाटर कैप्ड इन ए बीकर. इफ द बीकर मूव्स विद वर्टिकल एक्सेलरेशन ए, द वुड विल. ठीक है जी, अब देखो बेटे ऐसा है. अब हमारे पास ना एक बीकर है और इसमें पानी है, और बेटा इसमें कोई हमारे पास ये फ्लोटिंग पीस है. और क्या हो रहा है, इफ द बीकर मूव्स विद ए वर्टिकल एक्सेलरेशन ए, सो बीकर इज मूविंग विद वर्टिकल एक्सेलरेशन ए इन द अपवर्ड डायरेक्शन. ठीक है बेटे, तो अब देखिए सूडो फोर्स पानी पर भी लगेगी और सूडो फोर्स इस पर भी लगेगी. सूडो फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन एंड सेम वे ऑन द टोटल मास ऑफ द कंटेनर आल्सो. सो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, अप थ्रस्ट भी वेरी कर जाएगा और जो डाउनवर्ड वेट है वो भी वेरी कर जाएगा. इसका मतलब क्या हुआ, जितना पहले सिंक कर रहा था उतना ही अब सिंक करेगा. क्यों, क्योंकि दोनों पे जो लिक्विड है उस पर भी सूडो फोर्स लगेगी और जो फ्लोटिंग वुड का पीस है उस पर भी सूडो फोर्स लगेगी. सो आंसर क्या बनता है बेटे, डी पार्ट, रिमेन इन सेम पोजिशन रिलेटिव टू वाटर. इट विल रिमेन इन द सेम पोजिशन रिलेटिव टू द वाटर. नाउ क्वेश्चन नंबर 130. क्वेश्चन नंबर 130 देखेंगे बेटा. 130 क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. ए कैंडल ऑफ डायमीटर स्मॉल डी इज फ्लोटिंग इन ए लिक्विड इन ए ऑन ए लिक्विड इन ए सिलिंड्रिकल कंटेनर ऑफ डायमीटर कैपिटल डी, वेयर डी इज ग्रेटर देन डी इफ इट इज बर्निंग एट द रेट ऑफ 2 cm/h, देन द टॉप ऑफ द कैंडल विल. सो देखिए ऐसा है बेटे, ये हमारे पास क्वेश्चन, ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन. इस वेसल का डायमीटर कितना है बेटा, डी. वेसल का डायमीटर है डी और यहाँ पे हमारे पास ये कैंडल फ्लोट कर रही है. इसमें कैंडल ऐसे फ्लोट कर रही है कि हाफ पोर्शन बाहर है और हाफ पोर्शन अंदर है पानी के. सो लेट से एल पोर्शन ऑफ द कैंडल इज इनसाइड एंड एल इज आउटसाइड. तो ये कैंडल जल भी रही है बेटे. अब इसको कैंडल को हमने जला भी दिया. अब अगर ये कैंडल जल रही है, नाउ ही सेज इट इज बर्निंग एट द रेट ऑफ 2 cm/h, यानी कि एवरी वन आवर द लेंथ ऑफ द कैंडल रिड्यूसेस बाई 2 cm. द लेंथ ऑफ द कैंडल रिड्यूसेस बाय 2 cm. तो वो क्या कह रहा है, देन द कैंडल विल रिमेन एट द सेम हाइट, फॉल एट द रेट ऑफ 1 cm/h, फॉल एट द रेट ऑफ 2 cm/h, गो अप एट द रेट ऑफ 1 cm/h. देखो बेटा ऐसा है,
कि अगर ये कैंडल जल रही है तो इसका मतलब लेंथ कम हो रही है। लेंथ 2 सेंटीमीटर घट गई 1 घंटे में, अगर लेंथ 2 सेंटीमीटर घटी तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर यहां, अब जो वापस आएगी लेंथ, ये 12 लेंथ थी तो 12 - 2 हो गया। अब जो ये हमारे पास लेंथ अब बची है, जो हमारे पास बेटा लेंथ अब बची है वो क्या होगा, इट विल अगेन सेटल सो दैट हाफ पोर्शन इज अबव हाफ पोर्शन इज डाउन। इसका मतलब क्या हुआ कि L-1 लेंथ, देखो ये 12 लेंथ थी ना बेटे, तो इसका मतलब है L-1 अब जलने के बाद नीचे रह जाएगी, L-1 ऊपर रह जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि लेवल ऑफ द कैंडल हैज फॉलन डाउन बाय 1 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, देर विल बी ए फॉल एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर आवर। सो आंसर क्या हुआ, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट बेटे 131st क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131। इन दिस प्रॉब्लम कंसिडर ओनली फोर्सेज अराइजिंग फ्रॉम सरफेस टेंशन, द यू शेप्ड फ्रेम इन द डायग्राम हैज ए शो फिल्म, द कोफिशियंट ऑफ सरफेस टेंशन इज 2.7 × 10⁻²⁰ न्यूटन पर मीटर, द फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड टू कीप द वर्टिकल बार ए बी एट रेस्ट इज, द फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड टू कीप द वर्टिकल बार ए बी एट रेस्ट इज। सो आप देखिए बेटा हमारे पास इस तरह का एक यू फ्रेम है, ए इस तरह का, वी आर हैविंग ए यू फ्रेम, दिस इज ए वर्टिकल बार ऑफ लेंथ ए बी, नाउ दिस इज ए शो फिल्म, और ये बेटा इसकी लेंथ जो है दैट इज 1.9 सेंटीमीटर, एंड इसकी लेंथ जो है दैट इज इक्वल टू 4.6 सेंटीमीटर। ये शो फिल्म है हमारे पास, बीच में हमने, हमें सरफेस टेंशन दे रखी है बेटे, कोफिशिएंट ऑफ सरफेस टेंशन 2.7 × 10⁻²⁰ न्यूटन पर मीटर, ठीक है बेटे, और इसकी डायमेंशंस दे रखी हैं। अब अगर हमने इस ए बी बार को रेस्ट पे रखना है तो वी विश टू कैलकुलेट व्हाट मिनिमम फोर्स इज रिक्वायर्ड। आपको पता है बेटे फोर्स, सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, सो फोर्स इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, फोर्स इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, सो फोर्स इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। इसमें दो फ्री सरफेसेस हैं तो दो फ्री सरफेस पे सरफेस टेंशन आएगी, दो फ्री सरफेसेस पे सरफेस टेंशन आएगी, सो दैट विल बी 2t इनटू लेंथ। सो बेटा ये कितना हो जाएगा, 2 × 2.7 × 10⁻²⁰ इनटू लेंथ, लेंथ कितनी होगी बेटे 1.9 × 10⁻²⁰। अगर आप इसको सॉल्व करते हो, अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये आपके पास आ जाता है बेटे 1 × 10⁻³ न्यूटन्स, 1 × 10⁻³ न्यूटन्स। सो दिस इज द फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड टू कीप, क्योंकि ये 1 × 10⁻³ न्यूटन की फोर्स इस ए बी वायर को इधर को खींचेगी, और अगर हमने इसको इधर रखना है, ए बी को ऐसे ही मेंटेन रखना है, तो वी रिक्वायर ए फोर्स टुवर्ड्स दिस साइड। सो आंसर इज बी, बी फॉर बॉम्बे, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, वन थर्टी टू क्वेश्चन। ए वाटर बीटल स्टैंड ऑन दी सर्फेस ऑफ वाटर ऑन 4 लेग्स, ईच लेग हैज ए पैड दैट इज 2.1 mm by 1 mm, द कोफिशियंट ऑफ सर्फेस टेंशन फॉर वाटर इज 73 dynes per cm, द मैक्सिमम मास ऑफ द बीटल इज। तो एक बीटल है बेटे, उसकी 4 लेग्स हैं, और हमें क्या दे रखा है, उस लेग का डायमेंशन दे रखा है, दैट इज मतलब वो रेक्टेंगुलर शेप में है, 2.1 mm by 1 mm है, और हमने कोफिशियंट ऑफ सरफेस टेंशन हमको दे रखा है दैट इज 73 dynes per cm, तो मैक्सिमम मास हमने बीटल का निकालना है, वी वांट टू फाइंड द मैक्सिमम मास ऑफ द बीटल। सो आप देखिए बेटा ऐसा है, बीटल का जो वेट है दैट विल बी बैलेंस्ड बाय द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, जो बीटल का वेट है दैट विल बी बैलेंस्ड बाय द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो आप देखिए एम इंटू जी इज इक्वल टू, आप देखिए फोर्स क्या होगी, दैट विल बी इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू लेंथ, तो 4 4 फीट है ना उसके, 4 × सरफेस टेंशन,
सरफेस टेंशन कितनी होगी बेटे, 73 डाइन्स पर सेंटीमीटर इनटू लेंथ। लेंथ क्या हो जाएगी, पैरामीटर, टू टाइम्स, नाउ टू टाइम्स 2.1 सेंट। अब बेटा देखो, 1 सेंटीमीटर इज 10 mm, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm, सो 1 mm इज इक्वल 1/10, सो ये हो गया 0.21 प्लस 0.1, ये हो गया बेटे। तो इसका मतलब है m कितना हो जाएगा बेटे, 4 × 73 × 2 × 0.31 होल अपॉन क्या चीज बेटे, अपॉन g, g कितना हो जाएगा 980। ये यदि आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द आंसर एज 0.18 grams। सो आंसर आपके पास 0.18 grams आएगा इन ऑन सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर पार्ट। सो आंसर इज डी फॉर दिल्ली, आंसर इज डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट बेटे 133rd क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133 देखेंगे। ए लिक्विड मॉलिक्यूल इज ब्रॉट फ्रॉम विद इन टू द सरफेस लेयर, इट गेन्स पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस। देखो बेटे ऐसा है, एक लिक्विड मॉलिक्यूल है जिसको कि लोअर से सरफेस पे लाया जा रहा है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी क्यों गेन कर रहा है, वी वांट टू नो दैट कि वो पोटेंशियल एनर्जी क्यों गेन कर रहा है। इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस, नहीं बेटे उसकी वेलोसिटी तो इंक्रीज नहीं करती, आप तो उसको लेकर आ रहे हैं। बी पार्ट, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिक्रीजेस, वर्क इज डन अगेंस्ट मॉलिक्यूलर रिपल्शन, वर्क इज डन टू ओवरकम द म्यूचुअल अट्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। बिकॉज अब हम उसको जब नीचे से बॉटम से सरफेस पे ला रहे हैं उस लिक्विड मॉलिक्यूल को, देन देयर इज वर्क दैट इज बीइंग डन टू ओवरकम द म्यूचुअल अट्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल। सो आंसर इज डी फॉर दिल्ली, आंसर इज डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट बेटे 134th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर कॉजेज ग्रेविटेशनल कॉजेज मॉलिक्यूलर फोर्सेस। बेटे जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं, वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक कॉज करती है। ए पार्ट ग्रेविटेशनल, बी पार्ट मैग्नेटिक, सी पार्ट इलेक्ट्रिक, डी पार्ट नन ऑफ दीज। बेटे जितनी भी मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, दे आर ड्यू टू इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स, ठीक है। सो आंसर इज सी पार्ट, दैट इज इलेक्ट्रिक। नेक्स्ट बेटे 135th क्वेश्चन, 135th क्वेश्चन देखेंगे। द सरफेस टेंशन फिनोमेना इज द रिजल्ट ऑफ द टेंडेंसी ऑफ ए सिस्टम टू, टेंडेंसी ऑफ ए सिस्टम टू कंजर्व एनर्जी, सेकेंड पार्ट इज कीप पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, थर्ड पार्ट इज कंजर्व वॉल्यूम, फोर्थ पार्ट इज कीप सरफेस एरिया मिनिमम। देखो बेटा सरफेस टेंशन किस वजह से रिजल्ट होती है, व्हाई डज सरफेस टेंशन टेंड्स टू टेक प्लेस। एक तो बेटा कोई भी दुनिया का सिस्टम है, इट वांट्स टू मेंटेन इट्स एनर्जी एज मिनिमम। तो जो सरफेस है वो अपनी एनर्जी क्या करना चाहता है, लीस्ट करना चाहता है। क्यों, ताकि सरफेस एनर्जी, देखो बेटा सरफेस एनर्जी आपको पता है दैट इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू एरिया। तो इसका मतलब एरिया लीस्ट करेगा तभी सरफेस एनर्जी मिनिमम होगी। तो इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, दे वांट देयर एनर्जी टू बी मिनिमाइज्ड। अच्छा बेटे कंजर्व एनर्जी, एनर्जी तो मतलब सरफेस टेंशन में एनर्जी कंजर्वेशन का तो कंसेप्ट है ही नहीं। अच्छा तीसरा है कंजर्व वॉल्यूम, बेटा ये भी नहीं, वॉल्यूम नहीं करना चाहते। तो फोर्थ इज कीप सरफेस एरिया मिनिमम, यस दीज टू पॉइंट्स आर रेलेवेंट। सो इसका मतलब आंसर क्या हुआ, डी फॉर दिल्ली, आंसर इज डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट बेटे 136th क्वेश्चन, 136th क्वेश्चन देखेंगे। सोप सॉल्यूशन हेल्प्स इन क्लेंजिंग, हेल्प्स इन क्लीनिंग बिकॉज, बेटा सोप सॉल्यूशन क्लीनिंग में कैसे मदद करता है। आपको पता है सोप सॉल्यूशन क्या है, इम्प्योरिटी है। पानी में आप सोप को मिलाते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ जाता है, सरफेस टेंशन घट जाती है, इस वजह से क्या हो जाता है बेटे, क्लीनिंग पॉसिबल हो पाती है। सो आंसर इसका क्या बनेगा, ए पार्ट बोल रखा सरफेस टेंशन इज इंक्रीज्ड, दैट इज रॉन्ग, एंड बी पार्ट इज सरफेस टेंशन इज रिड्यूस्ड, यस। सोप सॉल्यूशन क्लीनिंग में मदद इसलिए करता है क्योंकि सरफेस टेंशन बेटा रिड्यूस हो जाती है। सो आंसर इज बी फॉर बॉम्बे, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट 137th क्वेश्चन, नेक्स्ट 137th क्वेश्चन देखेंगे बेटा। The bristles of a water color
paint brush spread out when the brush is immersed in water, but cling together to form a fine point when it is removed from water due to. अब ऐसा बेटे, एक हमारे पास ब्रश है, आपने देखा होगा ब्रश इस तरह का होता है और इसके ये ब्रिसल्स हैं बेटे. अब ब्रश को यदि आप लिक्विड में इमर्स कर देते हो तो वो उसके ब्रिसल्स फैल जाते हैं चारों तरफ को, बाहर को निकल जाते हैं, और जैसे ही ब्रश को बाहर निकालते हो फिर वापस ब्रश के ब्रिसल्स इकट्ठे हो जाते हैं. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब लिक्विड के सरफेस में आप घुसाते हैं तो बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन दे टेंड टू गो साइडवर्ड, फैल जाते हैं साइडवर्ड, और जब उसको बाहर निकालते हैं तो लिक्विड फ्री हो गया, और बिकॉज इट विल ट्राई टू एक्वायर मिनिमम पॉसिबल एरिया द ब्रश ब्रिसल्स ऑफ द ब्रश दे गेट टूगेदर. सो आंसर क्या हुआ बेटे? आंसर इज, अब आप देखिए, बिकॉज ऑफ दी, हाँ इसमें आंसर दे ही नहीं रखा, मतलब जो तीन चॉइसें हैं, एक कह रहा है पास्कल प्रिंसिपल, दूसरा कह रहा है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, तीसरा कह रहा है मैग्नस इफेक्ट, तो इसका मतलब है बेटा ये तो बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन होता है, सो कोई भी नहीं है. तो आंसर इज डी फॉर दिल्ली, नन ऑफ दी अबव, आंसर इज डी फॉर दिल्ली. नेक्स्ट बेटे, 138th क्वेश्चन, 138th क्वेश्चन. व्हेन केरोसिन इज स्प्रिंकल्ड ऑन द सरफेस ऑफ ए पॉन्ड मस्कीटोज गेट ड्राउंड बिकॉज. बेटा देखो ऐसा है, अगर हम केरोसिन, ये मिट्टी का तेल, लिक्विड के सरफेस पे छोड़ देते हैं तो मस्कीटोज जो है वो डूब जाती हैं, बिकॉज द सरफेस टेंशन इज रिड्यूस्ड, द सरफेस टेंशन इज लेस इन केरोसिन. तो इसलिए क्या हो जाता है बेटे, सरफेस टेंशन रिड्यूस होने की वजह से दे द लिक्विड इज नॉट एबल टू सपोर्ट द वेट ऑफ द बीटल्स एंड दे टेंड टू फॉल डाउन. सो आंसर क्या है? डी पार्ट, ऑयल रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन, सो लिक्विड मेम्ब्रेन इज नो लॉन्गर एबल टू सपोर्ट देयर वेट. सो आंसर इज डी फॉर दिल्ली, आंसर इज डी फॉर दिल्ली. नेक्स्ट बेटे, 139th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139 देखेंगे. रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप बिकॉज, रेन ड्रॉप्स स्फेरिकल क्यों होती हैं शेप में? बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन. रेन ड्रॉप्स बेटे आपको पता है कि द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन इज दैट द लिक्विड फॉर्म ड्रॉपलेट्स बिकॉज दे टेंड टू अक्वायर मिनिमम पॉसिबल एरिया. सो ये जो स्फेरिकल शेप होती है लिक्विड ड्रॉपलेट्स की, दैट इज बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन. नेक्स्ट बेटे, 140th क्वेश्चन. सो 139th का आंसर क्या बनेगा बेटा? सी पार्ट. 140th क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, हम लोग 140th देखिए. व्हेन देयर आर नो एक्सटर्नल फोर्सेस द शेप ऑफ स्मॉल लिक्विड ड्रॉपलेट इज डिटरमिंड बाय सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड. बेटा अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ऐसा है जितनी बड़ी ड्रॉपलेट हो जाती है ना, अगर एक्शन ऑफ ग्रेविटी लिया जाए तो वो जो बड़ी ड्रॉपलेट्स होती हैं आमतौर पे दे आर नॉट परफेक्ट स्फेरिकल इन शेप, दे टेंड टू बी समवट लाइक दिस. लेकिन अगर ग्रेविटी ना हो तो परफेक्ट स्फेरिकल शेप आएगी बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन. सो आंसर क्या बनता है? आंसर इज ए पार्ट, आंसर इज ए पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, 141st. ए वाटर फिल्म इज मेड बिटवीन टू स्ट्रेट पैरेलल वायर्स ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर ईच एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.5 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर. इफ द डिस्टेंस बिटवीन द वायर्स इज इंक्रीज्ड बाय 1 mm, हाउ मच वर्क विल बी डन? सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 72 डाइन्स पर सेंटीमीटर. देखो बेटा, सरफेस टेंशन जो वाटर की है वो 72 डाइन पर सेंटीमीटर आपको दे रखी है, और ऐसा है कि ए वाटर फिल्म इज मेड बिटवीन टू स्ट्रेट पैरेलल वायर्स ईच ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर ईच एंड ऑन एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.5 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर. तो दो तारे हैं बेटे हमारे पास, और इनकी लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर, और इनके बीच में एक वाटर की फिल्म बनाई हुई है, और इस वाटर की फिल्म और जो दोनों वायर्स के बीच का डिस्टेंस है, दैट इज 0.5 सेंटीमीटर. ठीक है जी, दैट इज 0.5 सेंटीमीटर. इफ द डिस्टेंस ऑफ बिटवीन द वायर्स इज इंक्रीज बाय 1 mm, ठीक है बेटे, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द वायर्स इज इंक्रीज बाय 1 mm, यानी कि आपने 1/10 ऑफ ए सेंटीमीटर इसको फर्दर खींच दिया, यानी ये डिस्टेंस बढ़ा दिया, तो आपसे पूछा गया है कितना वर्क डन. तो बेटा वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन सरफेस एनर्जी, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन सरफेस एनर्जी. वर्क
वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन सरफेस एनर्जी। अब देखिए ऐसा है बेटे, दो एरिया बढ़े साइमल्टेनियसली, कैसे, फिल्म के दो साइड से एरिया बढ़ गए, एक तो ये फ्रंट साइड और एक दूसरी पिछली वाली साइड, तो ये दो एरिया हमारे पास बढ़े हुए हैं। अब देखिए बेटा, व्हाट वी वांट टू डू इज वी वांट टू फाइंड आउट दिस वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस चेंज इन सरफेस एनर्जी, सो दैट विल बी इक्वल टू टू टाइम्स सरफेस टेंशन इन टू चेंज इन एरिया। ये हमने टू टाइम्स क्यों किया, बिकॉज ये हमने टू टाइम्स क्यों किया, बिकॉज बेटा जो एरिया है वो फ्रंट साइड से भी बड़ा है सरफेस का और बैक साइड से भी, सो इसलिए हमने टू टाइम्स कर दिया। सो दैट विल बी इक्वल टू टू टाइम्स सरफेस टेंशन इज 72 इनटू चेंज इन एरिया। चेंज इन एरिया कितना हो जाएगा बेटे, दिस इज 1/10, दिस इज 10 सेंटीमीटर, सो 10 × 1/10, सो 10 × 1/10, तो ये कितना हो जाएगा बेटे, दैट विल बी 144 अर्ग्स, ये कैंसिल हो गया, तो 144 अर्ग्स के बराबर आ गया, सीजीए सिस्टम है ना। सो आंसर देखिए हमारे पास है बेटा, यस वी आर हैविंग द आंसर फॉर 141 एज सी पार्ट, आंसर फॉर 141 इज सी पार्ट। नेक्स्ट बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन, 142nd क्वेश्चन, देखेंगे। फ्रॉम ए वर्टिकल ट्यूब लिक्विड ड्रॉप्स आर फॉलिंग वन बाय वन, इफ डब्ल्यू इज वेट ऑफ द ड्रॉप, आर द रेडियस ऑफ द बोर ऑफ द ट्यूब एंड टी द सरफेस टेंशन, देन देन विच ऑफ द रिलेशन होल्ड्स गुड, देन विच ऑफ द रिलेशन होल्ड गुड। तो बेटा एक ट्यूब है और उस ट्यूब का रेडियस है बेटे आर, और इसमें से लिक्विड की ड्रॉपलेट्स बन बन के बाहर निकल रही हैं, और हमें ये पता करना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन होल्ड गुड करता है। ऐसा है बेटा, जो वेट है ऑफ द लिक्विड ड्रॉपलेट दैट इज इक्वल टू द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, सारे सरफेस टेंशन की फोर्स कैसे लगेगी बेटा, ये यहाँ पे इस तरह से लगेगी, ठीक है जी। तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन विल बी इक्वल टू लेंथ, लेंथ होगी 2πr, 2πr पे सरफेस टेंशन की फोर्स लगेगी 2πr इंटू टेंशन, बिकॉज यू नो फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स इज इक्वल टू लेंथ इंटू सरफेस टेंशन, तो आंसर क्या हो गया 2πr इंटू टी, सो दैट दैट इज द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एंड दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड। सो आंसर इज क्या, आंसर इज डी फॉर डेली, आंसर इज डी फॉर डेली। नेक्स्ट बेटे 143rd क्वेश्चन, नेक्स्ट इज 143rd क्वेश्चन। टू स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ मर्करी ईच ऑफ रेडियस कैपिटल आर कोलेस टू फॉर्म ए सिंगल लार्ज ड्रॉप, द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एनर्जीज बिफोर एंड आफ्टर द चेंज इज, ठीक है बेटे हमने रेशियो ऑफ एनर्जीज निकालनी है बिफोर एंड आफ्टर द चेंज इज। सो ऐसा है, टी वी अज्यूम द सरफेस टेंशन, टी वी अज्यूम द सरफेस टेंशन, सो द सरफेस एनर्जी बिफोर, सरफेस एनर्जी बिफोर कितनी हो जाएगी बेटे, दैट विल बी इक्वल टू 4πr² इंटू टी प्लस 4πr² इंटू टी, ये कितना हो गया बेटे 8πr² इंटू टी, ये होगी सरफेस एनर्जी बिफोर। अच्छा सरफेस एनर्जी आफ्टर, तो अब देखो हमसे रेशियो क्या पूछी है उसने, रेशियो किसकी पूछी है, टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द चेंज, तो अब दोनों कोयलेस कर गई, तो आपको पता है कि जब दो दोनों कोयलेस करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, यू नो दैट। तो अब देखिए, अब फाइनल एनर्जी हमने निकालनी है उस ड्रॉपलेट की जो इनको जोड़ के बना, तो अब देखिए 4/3πr² का क्यूब, मतलब जो इन दोनों ड्रॉप्स को आर आर रेडियस के ड्रॉप्स को जोड़कर, आर आर रेडियस के ड्रॉप्स को जोड़कर बड़ा ड्रॉप बना, उसका रेडियस हम लोग क्या मान रहे हैं आर डैश, तो बाय वॉल्यूम कंजर्वेशन 4/3πr³ इज इक्वल टू टू टाइम्स 4/3πr³, 2 × 4/3πr³, सो ये कितना हो जाएगा बेटे 4/3 4/3ππ, सो आर डैश इज इक्वल टू की पावर 1/3 × r, आर डैश इज इक्वल टू की पावर 1/3 × r, तो इसका मतलब सरफेस एनर्जी आफ्टर कितनी हो जाएगी बेटे, दैट विल बी इक्वल टू 4πr² आर डैश स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 की पावर 2/3 × r² × t, सो इसका मतलब क्या हुआ,
the ratio will be surface energy before by surface energy after. तो ये कितनी हो जाएगी बेटे 4 पाई आर स्क्वायर टी तो कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा, बिफोर कितनी थी 8 पाई आर स्क्वायर इनटू टी अपॉन क्या चीज 4 पाई 2 की पावर 2 बाय 3 इनटू आर स्क्वायर इनटू टी. सो ये आर स्क्वायर टी कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल और ये आपके पास 2 बचा, तो ये हो गया 2 बाय 2 की पावर 2 बाय 3 यानी कि 2 की पावर 1 बाय 3 बाय 1 2 की पावर 1 बाय 3 बाय 1. सो आंसर क्या बनता है 2 की पावर 1 बाय 3 बाय 1. सो देखिए आंसर हमारे पास है यस आंसर इज बी फॉर बॉम्बे, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे. नेक्स्ट बेटे नेक्स्ट 144th क्वेश्चन. वर्क ऑफ 3×10⁻⁴ जूल is required to be done in increasing the size of a show film from 10 cm by into 6 cm to 10 cm into 11 cm. The surface tension of the film is, देखो बेटा work done is equal to change in surface energy. तो आप उसको 10 by 6 की थी वो film और अब कितनी कर रहे हो 10 by 11 की, तो दो फ्री सर्फेसेस बढ़ते हैं बेटा, एक बार बढ़ाने पर दो फ्री सर्फेसेस हम लोग बढ़ा देते हैं. तो अब देखिए वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन सर्फेस एनर्जी, ठीक है बेटे वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन सर्फेस एनर्जी. नाउ द वर्क डन दैट यू आर इज गिवन टू यू एज 3×10⁻⁴ जूल दैट इज इक्वल टू सर्फेस टेंशन इंटू टू इंटू चेंज इन एरिया. चेंज इन एरिया कितना हो जाएगा बेटे 10 इंटू 11 माइनस 10 इंटू 6 इंटू 10 की पावर माइनस 4, ठीक है बेटे. तो ये हो जाएगा टी इंटू 2 इंटू 110 माइनस 60, तो ये कितना हो गया 50 इंटू 10 की पावर माइनस 4. सो टी इंटू 10 की पावर माइनस 2 इंटू 3 इंटू 10 की पावर माइनस 4, तो ये कितना हो जाएगा T is equal to 3 into 10 की पावर माइनस 2 आ जाएगा बेटे. सो सरफेस टेंशन इज दिस मेनी न्यूटन पर मीटर, तो दिस मेनी न्यूटन पर मीटर. सो आंसर क्या बनता है हमारे पास, आंसर देखेंगे, आंसर वी आर हैविंग यस बी फॉर बॉम्बे 3×10⁻²⁺ न्यूटन पर मीटर, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे. नेक्स्ट बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन 145th क्वेश्चन. What is the ratio of surface energy of one small drop and one large drop if 1000 drops combine to form one large drop? So, देखो बेटा ऐसा है कि 1000 drops जुड़कर एक बड़ा drop बना रहे हैं, तो ratio of surface energy of one small drop and one large drop. तो एक लार्ज ड्रॉप और एक स्मॉल ड्रॉप की सरफेस एनर्जी की रेशियो हमने निकालनी है बेटे. तो अब देखिए दैट विल बी इक्वल टू एन की पावर 1 बाय 3 इज टू 1. तो फॉर्मूला ये है बेटे एन की पावर 1 बाय 3 एन की सॉरी एक मिनट बेटे ये देखिए ऐसा आप आर रेडियस की छोटी ड्रॉप मान लो, तो उसकी सरफेस एनर्जी कितनी है बेटे, उसकी सरफेस एनर्जी बिफोर मतलब फॉर द स्मॉल ड्रॉप इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इनटू टी, ये होगी उसकी सरफेस एनर्जी. अच्छा बेटे अब देखो ये तो एक स्मॉल ड्रॉपलेट की होगी, नाउ फॉर वन लार्ज ड्रॉप कंबाइंड टू फॉर्म मतलब 1000 ड्रॉप से जो बड़ी ड्रॉप बनी है उसकी देखते हैं सरफेस एनर्जी. ऐसा बेटे उसका रेडियस 4 बाय 3 पाई आर डैश मान लो, तो दिस इज वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप दैट इज इक्वल टू 1000 टाइम्स the volume of single drop, that is equal to 1000 times the volume of single drop. इसका मतलब है r dash is equal to 10 times r, r dash is equal to 10 times r. तो इसका मतलब है surface energy of the bigger drop that will be equal to 4 pi into 100 r square into t, ठीक है बेटे. अब आपको ये रेशियो चाहिए, तो सरफेस एनर्जी ऑफ वन स्मॉल ड्रॉप बाय सरफेस एनर्जी ऑफ द बिगर ड्रॉप फॉर्मड बाय 1000 विल बी डिवाइडेड बाय दिस, सो 1:100.
आंसर क्या हो गया बेटे, 1:100। सो आंसर देखेंगे जरा, वी आर हैविंग द आंसर, यस आंसर इज डी फॉर दिल्ली, आंसर इज डी फॉर दिल्ली।